इजाजत नहीं दी। मैंने अपना ऑपरेशन करा रखा है, मैं आज भी बेड रेस्ट हूँ और मैं क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता हूँ और आज बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मेरठ में हराने जा रही है, इसलिए मैं आज चुनाव मैदान में उतरा हूँ और मुसलमानों से अपील करी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी को दें। अच्छा, आरोप लगा है कि जो मुख्तार अंसारी अतीत अहमद की जो मौत से जिम्मेदार है अखिलेश है, किस तरीके से अखिलेश ने विधानसभा में योगी जी को, चीफ मिनिस्टर जी को बहकाने का काम किया, उकसाने का काम किया, ताकि उसी में योगी जी ने ऐलान किया था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो मैं इसका जिम्मेदार पूरे मुसलमान अखिलेश को मानते हैं। यहाँ की जो प्रत्याशी गठबंधन समाजवादी पार्टी के, उनके पति को भी आपने बेमार तरह तरह के शब्द, आपने धोखेबाज है। मेयर का चुनाव उसकी पत्नी को मैंने जिताया और 50 लाख रुपए मैंने लगाया था, 50 लाख लगाने के बाद भी मुझसे 25 लाख रुपए उधार ले गया, जो आज तक मुझे शक्ल नहीं दिखा। तो मुसलमानों का वोट कैसे आप देवव्रत जी को दिखाएंगे? लोगों को तो कह रहे हैं मैदान में नहीं है। मैदान में है देवव्रत त्यागी जी, मैदान में है, चुनाव इन्हीं का है, भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। अच्छा, मुसलमानों को कैसे एकजुट करने जा रहे हैं? मुसलमान मान गया है, मुसलमान मुझसे मोहब्बत करता है, मुसलमान चेहरा देखना चाहता था बस। याकूब जी, जैसे कि आपने कहा कि आप बेड रेस्ट पे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप फिर भी वोट मांगने के लिए आए, अपने पार्टी के लिए, अपने प्रत्याशी के लिए, क्या जज्बा है, क्या मानसिकता लेके इनके लोगों के? मानसिकता यह है कि आज जो धोखेबाज प्रत्याशी की पत्नी आ रही है, उसको हराने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ हूँ और लड़ा रहा हूँ और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आप सवाल कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट क्यों दे? बहुजन समाज पार्टी को वोट दे कि 4 बार बहन मायावती मुख्यमंत्री बनी और जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं कि जो सरकार चलाई है उत्तर प्रदेश में, वो बहन मायावती जी ने चलाई। सपा प्रत्याशी तो कहते दावा करते हैं कि जो मुस्लिम वोटर्स है वो उनका है, मुस्लिम वोट जब मुसलमान समाजवादी पार्टी पर पड़ा है तभी भारतीय जनता पार्टी जीती है, जब बहन जी मायावती मुख्यमंत्री बनी है भारतीय जनता पार्टी डाउन हुई है। अखिलेश यादव मेरठ आए थे और महसूमा में आए थे और उन्होंने कहा कि यूपी में 80 में से 79 सीट वो जीत रहे हैं, वो 70 भी जीत सके, 80 भी जीत सके, 100 भी जीत सके, जबान के आगे मैदान है, कुछ भी बोलो। बसपा कितनी सीटें जीत रही है पूरे यूपी में, ये तो ऊपर वाला बताएगा। ठीक है।